आईपीएल का मौसम चल रहा है, अगर शामें आईपीएल के मैच देखते हुए गुजर रही हैं, तो आपने कल का सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जरूर देखा होगा। लेकिन भैया, सोशल मीडिया पर इस मैच से कहीं ज्यादा चर्चा उस बंदे की है जो दर्शकों के बीच एक अनोखा पोस्टर लिए बैठा था, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, अगर हार्दिक ने 50 मारे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। हालांकि हार्दिक ने 50 मार दी, भले ही वो आईपीएल के इतिहास में अब तक का सबसे धीमा अर्धशतक रहा हो, लेकिन 50 तो मारे ना, इसलिए ट्विटर पर पब्लिक इस बंदे को ढूंढ रही है और नौकरी छोड़ने को लेकर सवाल भी पूछ रही है। इस वीडियो को एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया और लिखा कि अब इस भाई के क्या हाल होंगे। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स ऑडियंस में पोस्टर लिए बैठा है। उस दौरान गुजरात टाइटंस का स्कोर 89 पर 3 विकेट था, जबकि हार्दिक 29 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि जब हार्दिक ने 50 बना ली तो लोग इस शख्स को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। बता दें कि 11 अप्रैल को नवी मुंबई में आईपीएल का 21वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था। मैच में गुजरात ने हैदराबाद के सामने 163 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे विलियमसन की टीम ने बड़ी आसानी से हासिल कर मैच जीत लिया। गुजरात की ओर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने 42 गेंदों में 50 रन की नाबाद पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। लेकिन इस मुकाबले के दौरान हर कोई इस बंदे को ढूंढने में लगा है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।